दोस्तों आपने EMU, MEMU के बारे में जरूर सुने होंगे, जो कि एक मल्टीपल यूनिट होते हैं, जिसमें हर 3 या 4 कोच के बाद कोच के नीचे ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं, जो कि वायर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इन सबका कंट्रोल ट्रेन के लोको पायलट के पास होता है। हर 3 या 4 कोच के बाद ट्रैक्शन मोटर लगे होने से इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों यह प्रोसेस गुड्स ट्रेन के लिए सक्सेस नहीं है, क्योंकि वैगन के नीचे से कंट्रोल केबल को इंड तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। इंडियन रेलवे में गुड्स ट्रेनों के लिए मल्टीपल यूनिट 2 तरह से की जाती है, या तो फ्रंट में 2 लोकोमोटिव को कनेक्ट करके जो केबल के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं, या जहां पर कोई चढ़ाई होती है वहां पर बैंकर लोको को लगाया जाता है, जो कि ज्यादा सेफ नहीं होते हैं क्योंकि इनका कंट्रोल वॉकी टॉकी से होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे के द्वारा यूज की गई डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम DPWCS के बारे में जानेंगे, जिसमें कि 3-4 लोकोमोटिव को एक साथ बिना वायर के कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का मतलब एक लंबी ट्रेन में लोकोमोटिव के पावर को इंटरमीडिएट पॉइंट या 3 या 4 लोकोमोटिव के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना। DPWCS सिस्टम में सारे लोकोमोटिव एक दूसरे से रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और मैसेज को कन्वे करते हैं। इस सिस्टम के द्वारा अधिकतम 4 लोकोमोटिव को बीच में या इंड पर कहीं भी एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि एक कन्वेंशनल ट्रेन और DPW इनेबल्ड ट्रेन में क्या अंतर है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक कन्वेंशनल ट्रेन में ट्रैक्टिव फोर्स फ्रंट से अप्लाई होता है, जबकि डीपी इनेबल ट्रेन में लोकोमोटिव को कहीं भी लगाया जा सकता है। दोस्तों पावर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस इमेज में आप देख रहे हैं ट्रेन के कन्वेंशनल कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया गया है, जिसमें लोकोमोटिव को पुल करने पर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, जिससे कपलर पर ज्यादा फोर्स पड़ता है और ट्रेन की लेंथ 58 वैगन तक लिमिटेड रहती है। अगर ट्रेन में बैंकर लोगों को लगाकर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो आपको पता चलेगा कि आगे के लोकोमोटिव का फोर्स ऊपर की ओर और पीछे के लोकोमोटिव का फोर्स नीचे की ओर है। इस कॉन्फ़िगरेशन के फायदे तो जरूर हैं, जिसमें हायर ट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा, कपलर पर लगने वाला फोर्स लोअर रहेगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोई ऑटोमेटिक सेफ्टी इंटरलॉकिंग अवेलेबल नहीं है। दोस्तों DPWCS सिस्टम में आप देख सकते हैं 3 लोकोमोटिव को किस तरह से RF लिंक के द्वारा आपस में कनेक्ट किया गया है, जिसकी इफिशियंसी 3 किलोमीटर रेडियस तक होती है, जिसका सारा कंट्रोल लीड लोगों के पास होता है, साथ ही डिफेक्टिव लोगों को आइसोलेट करने की भी सुविधा होती है। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 407 मेगाहर्ट्ज की होती है। दोस्तों पहला DPWCS वैग 7 लोकोमोटिव में लगाया गया था। अगर इसके मेन इक्विपमेंट की बात करें, तो इसमें कंट्रोल कम्युनिकेशन यूनिट CCU, ड्राइवर इंटरफेस यूनिट DIU, ब्रेक इंटरफेस यूनिट BIU, ट्राई बैंड एंटीना, सिंगल बैंड एंटीना और इनकोडर होते हैं। दोस्तों कंट्रोल कम्युनिकेशन यूनिट सारे सिस्टम जैसे कि ब्रेक, नॉच से आने वाली सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर इंटरफेस यूनिट एक TFT स्क्रीन होती है, जिससे सारे चीजों के सिग्नल को डिस्प्ले में देखा जा सकता है। ब्रेक कंट्रोल यूनिट ब्रेक को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से उन्हें कमांड दिया जाता है। इस तरह से इस वीडियो में आपने इंडियन रेलवे की DPWCS सिस्टम के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।